आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए इंडियन रेलवे ने अक्टूबर महीने में 196 जोड़ी यानी 392 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। इन्हें फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के नाम से चलाया जाएगा। त्योहारों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ने के मद्देनज़र रेलवे ने सभी जोन में फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने की मंजूरी दी है। इससे रेल यात्रियों को सफ़र के अतिरिक्त सुविधा और भीड़ से राहत मिलेगी। इसके संबंध में गोरखपुर न्यूज़ को जानकारी देते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक किया जाएगा। CPRO पंकज सिंह ने बताया कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 12 जोड़ी स्पेशल फेस्टिवल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसमें बाग एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस, गोरखपुर पुणे, गोरखपुर से त्रिवेंद्रम, जम्मू तवी, गोरखपुर से ओखा, LTT दादर एक्सप्रेस, गोरखपुर शालीमार सहित अन्य ट्रेनें शामिल है। CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया। उनको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कुछ फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें 20 अक्टूबर से चलना प्रारंभ करेंगी और 30 नवंबर तक चलेंगी। इन ट्रेनों में से जो प्रमुख ट्रेनें हैं जो गोरखपुर से होकर गुजरती हैं, उनका मैं आपको विवरण दे देता हूँ। बाघ एक्सप्रेस जो काठगोदाम हावड़ा जिसके नाम से जिसको जानते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस कोलकाता गोरखपुर, गोरखपुर कोलकाता, इसके अतिरिक्त गोरखपुर पुणे, गोरखपुर त्रिवेंद्रम, गोरखपुर से जम्मू तवी, गोरखपुर ओखा, गोरखपुर LTT दादर एक्सप्रेस, गोरखपुर से CST 02597 02598, गोरखपुर से शालीमार, ये प्रमुख ट्रेनें हैं जो कि गोरखपुर से चलेंगी। और कुल 12 जोड़ी ट्रेनें ऐसी हैं इनमें से जो फेस्टिवल स्पेशल के नाम से चलाई जा रही हैं, जो गोरखपुर स्टेशन से होकर गुजरेंगी। सर, रिजर्वेशन चलेंगी कि जनरल लोग जाएंगे इसमें? इन ट्रेनों के सभी कोच आरक्षित रहेंगे। कोविड प्रोटोकॉल के जो नियम हैं सभी का अनुपालन करना आवश्यक होगा। इस दौरान जब अभी भीड़ बढ़ रही है, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो कोविड से बचाव संबंधी जो नियम, जिनके बारे में हर तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा और इवन मोबाइल कॉलर ट्यून के द्वारा लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। जैसे हम लोगों ने देखा है कई बार लोग मास्क तो पहनते हैं लेकिन जब बात करना होता है तो मास्क उतार देते हैं, जबकि बात करते समय मास्क का होना सबसे आवश्यक है। कई बार क्या होता है कि नोज के नीचे लोगों का जो है मास्क चला आता है, तो गलत चीज़ है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। जब आप जर्नी कर रहे हो या कोई ऐसे पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो तो जो फिजिकल दूरी है उसका जरूर ध्यान रखें। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें कि जब आप हाथ धुल रहे हो तो ये ध्यान रखें कि कम से कम 20 सेकेंड तक आप हाथ धुलें। हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, बार बार नाक और मुंह को ना छूएं। तो ये बेसिक तीन चीज़ें जिनका पालन अभी करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। केसेस कम आ रहे हैं, ये बात एक पॉजिटिव मैसेज है, लेकिन अभी जो ये फेस्टिवल का सीजन आ रहा है इसको ध्यान में रखते हुए और सावधान होने की आवश्यकता है। इसको लेकर भी रेलवे लगातार कैंपेन चला रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, पोस्टर बैनर के माध्यम से। आप सभी लोगों से, सभी यात्रियों से भी मेरी अपील है कि इन सावधानियों का पालन करें।